सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून सर्वे स्टेडियम में 60 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम धामी ने इस अवसर पर गोटवेली योजना और हीफर रिपेयरिंग फॉर्म सहित देहरादून के परिसर में नवीन प्रशिक्षण केंद्र और एकत्रीकरण सह प्रजनन फार्म का लोकार्पण किया। पशु चिकित्सकों की मांग को पूरा करते हुए सीएम धामी ने एनपीए पर मोहर लगा दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि मोबाइल वेटरनरी यूनिटों के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ पर्वतीय स्थानों पर आपातकालीन पशु चिकित्सकीय सेवाएं और पशुपालन संबंधी दूसरी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। और आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास में प्रदेश को लाभ मिल सकेगा। पशु चिकित्सकों की मांग को पूरा करते हुए सीएम धामी ने एनपीए पर मोहर भी लगा दी थी। लंबे समय से जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एनपीए अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी एनपीए की, दूसरे विभागों को मिल रही थी, लेकिन हमारे ही पशुपालक जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं मिल रही थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मंच में निवेदन किया कि इसको आप घोषणा कर दीजिए। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 4 करोड़ रुपये का व्यय पड़ेगा हमारे उत्तराखंड सरकार पर।